हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मूली। तो चलिए इसे हम अब छील लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इस तरह से काट के पीछे की तरफ से इसे हम छील लेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊँगी जिससे आपके पराठे परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम छीलने से करेंगे। तो मूली को हम छील लेंगे और इसका जो ये डंठल वाला हिस्सा है इसको हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। अब मूली छीलने के बाद इसे वॉश कर लेंगे और इसे हम अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह का हम एक ग्रेटर लेंगे और इससे हम ग्रेट करना शुरू करेंगे। तो ये जो पतला वाला है इससे हम मूली को ग्रेट नहीं करेंगे, इससे मोटे वाले से करेंगे। इससे जो पराठे वो परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि पतले वाले से अगर हम करेंगे तो मूली में से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। तो हम मोटे वाले से हम ग्रेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने डंठल को काटने से मना किया था क्योंकि इस तरह हमको पकड़ के ग्रेट करने में आसानी होती है। तो अब हम ग्रेट किए हुए मूली को एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। पराठे मूली के पराठे बनाते वक्त हमेशा प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूली में हम नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा है मगर हमें इतना ही नमक डालना है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगी कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना मूली में, वो सारा निकल जाएगा और फिर हम इसे निचोड़ करके अलग कर लेंगे, जिससे हमारे जो पराठे वो परफेक्ट बनेंगे। अब परफेक्ट बनाने पराठे बनाने के लिए हमें परफेक्ट आटा लगाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 2 बाउल आटा लेंगे और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पराठे में नमक ज़रूर डालें, तब पराठे जो हैं वो टेस्टी बनते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन हाथों पे घिस करके। और पराठों को क्रिस्प बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। हाथों से मिक्स करने से ये जो ऑयल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। दोस्तों, आटा परफेक्ट लगेगा तभी हमारे पराठे जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे। तो मैं यहाँ इसे हल्का गुनगुना पानी से गूंथ रही हूँ। तो देखिए पानी हल्का गुनगुना है, तो इससे हम आटा लगाएंगे। आटा हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। तो इस तरह से हम आटे को लगाएंगे ताकि आटा जो है एकदम से सॉफ्ट रहे, तभी जो पराठे जो है वो नहीं फटेंगे। तो देखिए मैंने आटे को मसल लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा है। तो इस तरह से मसल मसल के थोड़ी देर हम इसे गूंथ लेंगे और फिर इसे हम ऐसे ही रख देंगे कुछ देर रेस्ट के लिए। तब तक आटा जो है फूल जाएगी। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए मूली में से काफ़ी सारा पानी निकल गया है, तो अब हम इसे निचोड़ेंगे। तो मैं यहाँ हाथों से निचोड़ रही हूँ, आप चाहें तो कपड़े में भी मूली को डाल करके निचोड़ सकते हैं इसका पानी। तो मैंने ऐसे हाथों से ही निचोड़ लिया है। देखिए कितना सारा पानी निकला है, इस पानी को हम अलग कर देंगे। अब निचोड़े हुए जो मूली है उसको हम ले लेंगे। देखिए मूली बिल्कुल एकदम से ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस तरह से हम जब मूली को रेडी करेंगे तो हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एकदम से स्टफिंग जो है वो परफेक्ट बनेगी। तो सारी मूली को लेने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक और मिर्ची, मतलब मैंने इसको मिक्सी के जार में एक बार घुमा लिया था। और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तीखा आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। और इन सभी को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये इसमें हमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि नमक जो है हमने जब मूली में डाला था तो पानी निकालने के बाद भी ये काफ़ी नमकीन है। अगर आपको समझ ना आए तो आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर डाल लूँगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलौंजी भी डाल रही हूँ। और फिर इनको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए हमारा जो स्टफिंग है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए आप इसे भरने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम आटा देख लेंगे। तो आटा हमने गूंथ कर रखा था, एकदम तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट आटा है। देखिए आटा एकदम चिकना भी हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी पास से कि आटा कैसा है, एकदम से देख पा रहे होंगे, एकदम नरम आटा है। बस इसी तरह का आटा हमें चाहिए स्टफ पराठे बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगा करके इस तरह से एक लोई तोड़ लूँगी और फिर इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क करके चिकना कर लेंगे और एकदम गोल सा एक लोई बना लेंगे।
इस तरह से आटा लगाने से पराठे जो है एकदम परफेक्ट बनते हैं। आटा लगाने पे हमेशा ध्यान दें, अगर आप सख्त आटा लगाएंगे तो पराठे साइड से फट जाएंगे। अब हम इसकी एक कटोरी बनाएंगे, तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरह से अंगूठे को अंदर दबाएंगे और उंगलियों को दोनों तरफ से घुमाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे, तो स्टफिंग हम यहाँ पे जितना इसमें आ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग ही पराठों में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे 2-2.5 चम्मच स्टफिंग मैंने डाल दिया है। देखिए ये पूरा एकदम लोड हो गई है। तो अब हम इसे अच्छे से अंगूठे से दबा लेंगे और इसके साइड्स को इस तरह से घुमाते हुए इसका मुंह सील करेंगे। तो इस तरह घुमाते जाएंगे और थोड़ा सा उंगली से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे। और देखिए इस तरह से इसका मुंह सील हो गया है। और फिर ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम इस तरह निकाल देंगे, इसे हम अंदर नहीं दबाएंगे। और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के इसे हम दबा देंगे ताकि जो है स्टफिंग जो है वो चारों तरफ फैल जाए। इस तरह दबा देने से स्टफिंग एकदम इवेंटली चारों तरफ फैल जाती है। अब हम बेलन से इसे बेल लेंगे, तो बेलते वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे। और इस तरह से देखिए बिल्कुल भी पराठे जो हैं एकदम नहीं फटेंगे। ये कमाल जो है ये आटा का भी है और साथ ही स्टफिंग का भी है। आटा आप हमेशा सॉफ्ट लगाएं, तभी आपके स्टफ पराठे परफेक्ट बनेंगे, चाहे वो कोई सा भी पराठा हो। देखिए कहीं से भी नहीं फटे हैं पराठे। तो चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो तवा हमारा गर्म है, एकदम बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब हम इसे पलट लेंगे और इस तरह से उठा करके चेक करेंगे। जब दूसरा साइड सिकने लगे तब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे हम ध्यान से पलटेंगे। इसे उठा करके कभी भी सामने तरफ ना पलटें, इससे जो तेल या जो भी घी है वो हमारे पे छिटकने का डर रहता है। इसे उल्टे तरफ पलटें और इसे दबा दबा के अच्छे से हम सेक लेंगे। तो देखिए एकदम से क्रिस्प करारी एकदम स्वादिष्ट मूली के पराठे जो हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को फॉलो करें और मूली के पराठे बनाएं। आपकी पराठे कैसे बने मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए पराठे तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपको कटोरी जैसा शेप देने में दिक्कत आती है तो आप क्या करें कि एक लोई को ले लें और इसे थोड़ा सा मोटा इस तरह से बेल लें और फिर इसे उठा करके अपने हाथों पे इस तरह से रख लें और फिर इसमें स्टफिंग को डाल दें। और स्टफिंग डालने के बाद ना इसे क्या करें, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से दबा लें और जिस तरह से हम साड़ी वगैरह में प्लेट्स लगाते हैं इस तरह से साइड से प्लेट्स जैसा बनाते रहें और अंगूठे से स्टफिंग को दबाते रहें और इस तरह से इसके मुंह को सील कर दें और फिर इसे घुमा करके एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लें। तो लीजिए हमारी दूसरी तरह से भी स्टफ करना हमने सीख लिया। और मैं अब तीसरा तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैं एक लोई को 2 हिस्सों में बांट लूँगी और फिर इसे हम बेलेंगे। तो पहले वाले लोई को हम एकदम से जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उतना ही हम बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से बेल के इसे हम हटा देंगे। अब दूसरे वाले को भी हम सेम साइज का बेल लेंगे। इस तरह से पराठा बनना बहुत आसान है। अगर आपको स्टफ़ करने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से बनाएं। अब हम मूली के स्टफिंग को इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो बहुत सारा स्टफिंग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से चम्मच से डालने के बाद मैं इसे हाथों से फैला लूँगी, एकदम किनारे किनारे तक हम स्टफिंग को फैला लेंगे। देखिए मैंने इसको फैला लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दूसरी वाली रोटी ऊपर से डाल देंगे और इसके किनारों को अच्छे से दबा देंगे। तो लीजिए हमारी तीसरी जो पराठे बनाने का तरीका है आपने देख लिया, एकदम तैयार है। तो इस तरह से हम सारे पराठे को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। अब मैं इसे आपको दिखाऊंगी कि पराठे मेरे जो हैं वो अंदर से कैसे बने हैं। पराठे काफ़ी गर्म है, तोड़ने में दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से एकदम से भाप निकल रहा है। देखिए अंदर तक स्टफिंग कितना सुंदर इवेंटली फैला हुआ है। तो देखिए मैंने ये दूसरा पराठा जो मैंने 2 रोटी बेल के बनाई थी। मिलते हैं अगले